फिल्मी झरोका के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोका। सुपरस्टार राजेश खन्ना और संजीव कुमार की बात करें तो ये दोनों आपस में कभी दोस्त नहीं बन सके। राजेश खन्ना की दीवानगी सर चढ़कर बोलती थी और वहीं संजीव कुमार की एक्टिंग लोगों को हिला कर रख देती थी। पर दोनों ही हीरो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। यहाँ तक कि दोनों अपने पूरी लाइफ में एक दूसरे के घर भी नहीं गए थे। झगड़े की वजह सिर्फ एक थी, वो थी अंजू महेंद्रू। बात ऐसी थी कि अंजू महेंद्रू की माँ शांति महेंद्रू संजीव कुमार को राखी बांधा करती थी और वहीं संजीव कुमार रिश्ता निभाते चाहे कितने भी बिजी हो, राखी के दिन शांति महेंद्रू के घर जाते और राखी जरूर बंधवाते। और अंजू महेंद्रू संजीव कुमार को खास मामा मानती थी। और ये सब जानते हैं कि राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू उस वक्त एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन संजीव कुमार को इन दोनों का ये मेल जोल पसंद नहीं आता था। और राजेश खन्ना भी बड़े शक की मिजाज थे, जो कि अंजू और संजीव पर ही शक किया करते थे। तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ है। और यही वजह थी कि संजीव कुमार और राजेश खन्ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और दूसरी तरफ राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के बीच में भी खटास आ गई थी और 1973 में डिंपल कपाड़िया से राजेश खन्ना की शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी अंजू की तरफ उनका झुकाव था। ये बात भी संजीव कुमार को पसंद नहीं आती थी कि शादीशुदा राजेश खन्ना क्यों अंजू महेंद्रू से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी नफरत के बाद भी दोनों ने कुछ फिल्में की थी। एक फिल्म का नाम है आपकी कसम, जो कि 1974 में आई थी। एक सीन में राजेश खन्ना को संजीव कुमार को थप्पड़ मारना था। राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को असली में इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि संजीव कुमार हिल गए, लेकिन संजीव कुमार ने इस बात को तूल नहीं दिया, उन्होंने जाने दिया, क्योंकि इस वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक सकती थी। तो ऐसे बड़े दिल वाले थे संजीव कुमार। आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। उन दिनों हॉलीवुड की एक फिल्म का प्रीमियर शो रखा गया था। राजेश खन्ना को इनवाइट किया गया और कहा गया आप शर्मिला टैगोर को जरूर साथ लाइएगा, क्योंकि उन दिनों ये दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। वहीं प्रीमियर में संजीव कुमार को भी बुलावा दिया गया। संजीव कुमार वहां पहुंचे और अपनी सीट पर बैठ गए, तभी देखा कि लोगों की एकदम चहल पहल शुरू हुई और राजेश खन्ना की एंट्री हुई, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था हेमा मालिनी का। संजीव कुमार ये देखकर शॉक्ड रह गए। हेमा मालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि राजेश खन्ना ने हेमा जी को चलने के लिए कहा था तो सिर्फ वो आ गई, पर उन्हें ये नहीं पता था कि संजीव कुमार यहाँ आए हुए हैं, और ना ही उन्हें ये पता था कि राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच आपसी रंजिश है। हेमा मालिनी और संजीव का रिश्ता तो देखिए वैसे ही अंतिम छोर पर बंधा हुआ था, लेकिन इस वाकये के बाद अंतिम छोर भी टूट गया। संजीव कुमार अपना टूटा सा दिल लेकर बेइज्जती को फील करते हुए घर वापस आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बात। संजीव कुमार के इस किस्से में बस इतना ही, लेकिन अगर आप उनकी पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा चैनल बीवी का टीवी, आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा है, इस पर जाकर आप सीधा पूरी बायोग्राफी देख सकते हैं। फिल्मी झरोका को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए वीडियोस को अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाइए और कमेंट कीजिए, और देखते जाइए फिल्मों के रोचक किस्से ओनली ऑन बीवी का टीवी फिल्मी झरोखा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को नमस्कार और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।